एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं सबसे पहले, इसलिए कि आज ये उम्र जो है आपकी है, ये उम्र में आप अपने माँ बाप के छत्रो छाया में रहते हैं, प्रोटेक्शन गार्डियनशिप में, और आपको कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो डायरेक्ट मम्मी, आजकल तो आप व्हाट्सएप कर देते हो शायद, SMS, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा डैडी को बोलो ना मुझे 200 रुपया दे नया शर्ट खरीदने का, मेरा नया मोबाइल चाहिए। तो आजकल हमारे प्रॉब्लम्स या हमें कोई चीज की जरूरत होती है तो डायरेक्टली हम माँ बाप की तरफ रजू करते हैं, राइट? यस। और उसके बाद अगर डर लगता है कि डैडी को बोल नहीं सकते हैं तो दोस्तों से बात करते हैं, मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ, चल तो मेरे साथ जरा, वो लड़का मुझे गाली देता था तू चल साथ में, हम डैडी मम्मी से नहीं बताते हैं, दोस्तों की मदद लेते हैं, राइट? यस। और कभी कभी ऐसा होता है कि इम्तिहान में कोई प्रॉब्लम है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, क्या करें, नोटबुक हो गई कल एग्जाम से, जर्नल सबमिट करनी है, अरे मैं तो स्कूल में आया पेन के बिना आया, या अल्लाह कौन मुझे अपनी कलम देगा लिखने के लिए, क्या करूं मैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। उस वक्त आप दोस्तों की तरफ, क्या पेन है क्या एक्स्ट्रा, अरे यार एक काम करना मेरी जर्नल खो गया किसी को मिल गया, वी कीप ऑन आस्किंग हेल्प फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, राइट? सबसे पहले कौन याद आता है, दोस्त याद आता है। इस्लामी के लिए मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ, मतलब कि एक तरीका रिवाइव कराता हूँ, कोई नया तरीका नहीं है। सबसे पहले आपको अल्लाह की मदद चाहनी चाहिए जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारा जूते का तलिया फट जाए तो सबसे पहले अल्लाह को याद करो, छोटी सी चीज, अरे सर जूता फट गया तो नया खरीदेंगे कौन सिलाता है आजकल, अरे सर बटन टूट गया नया शर्ट खरीदेंगे क्या सिलाना, तो अल्लाह तो याद ही नहीं आते हमें। एक बड़ा प्यारा सा तजुर्बा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ अरसे पहले मैं अजमान में था, अजमान दुबई के करीब एक छोटा सा मुल्क है, फजर का वक्त था, मैं वहां पे नमाज पढ़ रहा था, फजर की नमाज, भरी हुई मस्जिद थी। नमाज खत्म होने के बाद मैंने देखा एक शख्स, मोटा पहलवान, मिडिल क्लास का लग रहा था, कोई पैसे वाला नजर नहीं आ रहा था, एक कोने में बैठकर दुआ कर रहा है, और दुआ करते करते वो रो रहा है, जैसे आजीजी के साथ कोई दुआ कैसे करता है, रोते रोते दुआ कर रहा है। तो मेरी नजर, मेरी तवज्जो वहां गई, अटेंशन मेरा वहां, और देखते रहा मैं, देखते रहा ये आदमी, ये शख्स, ये दुआ करते जा रहा है, करते जा रहा है। इतने में उसका फोन बजा, उसने फोन उठा के बात की, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, सिर्फ अल्लाह ही से तो दुआ कर रहा हूँ, और कोई चारा है नहीं, मतलब बता रहा था कि प्रॉब्लम इतनी सीरियस नजर आ रही है कि अल्लाह के सिवाय कोई मदद नहीं कर सकता, वो रो रो के दुआ कर रहा है। मुझे भी दिलचस्पी हुई, क्या बात है भाई, एक आदमी इतना क्यों रो रहा है मस्जिद में फजर के वक्त, तो मैं भी जाकर जरा सा करीब बैठ गया देखने के लिए, हो सकता है शायद मैं कुछ काम आ जाऊं उसको। अब वो शख्स दुआ कर रहा है, दुआ कर रहा है, उसके बाद दुआ खत्म की, आंसू पोंछे उठ के जाने लगा, मैं भी उठा उसके साथ गया, मैंने कहा भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको मस्जिद में मैं देख रहा था, आप रो रहे थे, और मैं इतने सालों से मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, इस तरह से मैंने लोगों को मस्जिद में रोकर इतनी लंबी दुआ मांगते हुए देखा नहीं है, तो मैंने सोचा शायद आपको कोई तकलीफ है, मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ। तो कहने लगा मेरी भतीजी बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा देखो बेटी भी नहीं है, भतीजी है, भाई की बेटी। तो मैंने कहा भाई साहब कुछ पैसे की ज़रूरत है आपको, यू वॉन्ट एनी हेल्प, क्योंकि आदमी कब अल्लाह के पास आता है, आमतौर पर एकदम कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है तब सबसे लास्ट में अल्लाह याद आता है कि नहीं, सारे सोर्सेज खत्म, दोस्त ने हाथ ऊपर कर दिया, फ्रेंड्स ने ना कह दिया, पेरेंट्स तो डांटेंगे हेल्प ही नहीं करेंगे, चाचा तो डैडी को शिकायत करेंगे, नोबडी इज देयर टू हेल्प यू। सबसे मदद मांगने के बाद फिर कहते हैं या कना अब्दु या कना स्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते तुझी से मदद मांगते, हालांकि सबसे लास्ट में आए, है कि नहीं। अब ये आदमी कह रहा है कि मेरी भतीजी बीमार है और मैं बड़ा परेशान हूँ, तो मैंने कहा कुछ पैसे की जरूरत है। बस ये कहते कहते हम मस्जिद के बाहर निकले, तो जैसे ही मैंने कहा भाई कुछ पैसे की जरूरत है, तो उसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई, अभी रो रहा था ऐसे मुस्कुराहट, मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा वो जो सुपरमार्केट है ना वो मेरा है, और ये गाड़ी है ना ये भी मेरी है। तो मैंने कहा भाई आप इतना रो रो के दुआ कर रहे थे, मैं समझा गरीब है आप, अचानक सी जरूरत आ पड़ी होगी आपको। तो अगर नहीं, जब भी तकलीफ हो ना अल्लाह से मांगना चाहिए, ठीक है हमारे पास पैसे हैं, पैसे से थोड़ी किसी की जान बच सकती है, गाड़ी से थोड़ी जान बचेगी, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में रख के आऊँ मेरी भतीजी को, लेकिन
जो काम अल्लाह कर सकता है वो पैसा थोड़ी कर सकता है, ताकत थोड़ी कर सकती है, डॉक्टर थोड़ी कर सकता है। और ये कह के वो चला गया। मैं सोचते रहा कि क्या बात है, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं, पैसे वाले लोग भी, कि ज़रूरत महसूस होने पर सबसे पहले उन्हें अल्लाह याद आता है। मैं भी मस्जिद में गया, मैंने भी इस तरह से दुआएं करने की थोड़ी सी कोशिश की कि भाई हमारी भी दुआएं देखे कैसी है, हम कहाँ हैं। फिर मैंने सोचा कि पिछले वक्त कब मैं अल्लाह के सामने रोया था, इस तरह से याद नहीं आ रहा है, एक लंबा अरसा गुजर गया।